subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि हमने अर्तुगरुल गाजी के बारे में आपको बताया, उनकी बायोग्राफी, वो कहाँ पे रहते थे, उनके सारा हमने आपको बताया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें लास्ट वीडियो में बहुत कमेंट्स आई हैं कि उनके बेटे के बारे में हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं इस बार, क्योंकि उन्होंने बहुत कमेंट्स में कहा है उस्मान गाजी के बारे में हमें बताएं, वो उनकी इन्होंने क्या क्या फतवात की थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पप्पू को आज फिर इन्वाइट किया है, तो हमें वो फिर आज बताएंगे उनके बारे में, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी ठीक ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप फिर से आप हमारे पास आए। कोई बात नहीं, आपके बोला मधु करने का शुक्रिया। जी पप्पू, आपसे पहला सवाल है मेरा कि उस्मान गाजी कहाँ पे पैदा हुए, कब पैदा हुए, और थोड़ा सा आप इनके माँ बाप के बारे में बता दें। उस्मान गाजी 1258 में मकान सोगोत में पैदा हुआ। इसके वालदैन, बाप का नाम अर्तुगरुल गाजी और वालदा का नाम अलीमा खतून, और इसकी वालदा उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद फौत हो गई थी। और उस्मान गाजी का सारा जो बचपना था, जो टाइम था बचने का, वो 1258 से लेकर के 1281 तक ये सारा टाइम इसने अपने बाप के साथ गुजारा, और ये बाप के साथ जंगों में भी हिस्सा लेता रहा। और इसकी तरबियत जो है एक अर्तुगरुल से बढ़ करके अपने बाप से भी ज़्यादा इसके अंदर औसाफ मौजूद थे, जंग के, इस्लाम फैलाने के, बहादुरी के, शुजात के, तीरंदाजी के, नेज़े के, तमाम इसके अंदर औसाफ मौजूद थे। जी हम जी अब ये बताएं, उस्मान गाजी ने कब सल्तनत की दौड़ अपने हाथ में ली? उस्मान गाजी अर्तुगरुल गाजी के मरने के बाद, जिस तरह किताबों में 1281 है अर्तुगरुल गाजी की वफात की तारीख, 1281 में जब इसके वालिद फौत हुए, तो उस्मान गाजी के तीन भाई थे, दो भाई और भी थे और ये एक आखिरी बेटे थे। और इसके अंदर जो सलाहियत मौजूद थी, जो इसके अंदर हौसले थे, इसका एक बहादुरी थी, इसकी सलाहियत के ऊपर इसको अपने पूरी कबीले का एक अमीर चुना गया। इसको अपनी खूबियों की वजह से ये अमीर बना। जब ये अमीर बना तो उस वक्त इसकी सरहदों के साथ जो एशियाई कोचों के अनकरा है, जो इसके वालिद ने जो इलाके फतह किए थे उसके साथ बस्तीनी यानी ईसाई सुल्तनत की सरहदी इलाके थे, जिनको उस्मान गाजी ने अपनी डोर संभालते ही उनको फतह करना शुरू कर दिया। बस्तीनी इलाकों को फतह करने का सबब यह था कि वो उस्मान के सरहद के बिल्कुल करीब थे। शुरू में उस्मान की कार्रवाइयाँ मदाफाना थी, बाज़ल्तीनी सलजोकी सरहदी इलाकों पर हमला करते थे। सलजोकी के नैब की हैसियत से उस्मान को जंग करना होती थी, और उस्मान गाजी कभी भी जंग नहीं आ रहा था। इसकी ज़िंदगी की ये एक खासियत थी, पूरी ज़िंदगी इसने जंगें लड़ी और ये कभी भी कोई जंग भी नहीं आ रहा। उस्मान की पहली बड़ी कामयाबी ये थी कि राजा हिसार किला को फतह करना था, इस किले का मुहासरा किया, ये बाज़ल्तीनी किला था और इसको फतह कर दिया। ये पहला पैगाम था तमाम मुखालफ कुव्वतों को कि उस्मान का मुकाबला करना आसान नहीं था। सलजोकी सुल्तानत का जो सुल्तान था, इस फतह पर बड़ा खुश हुआ और उस्मान को खराजा एसार और उसके इर्द गिर्द का तमाम इलाका दे दिया। उस्मान को इस इलाके में अपना सिक्का जारी करने की इजाजत भी दे दी गई, यानी जो करंसी नोट था, करंसी थी, उसके ऊपर अब उस्मान का अपना एक नाम था, सिक्के के ऊपर उस्मान की अब जो फोटो लग गई थी, यूं बादशाही के तमाम लाजमात उस्मान को मयसर आ गए। 1299 में उस्मान गाजी ने सुल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और इसको एक खुद मुख्तार हुकूमत का उसने ऐलान किया। जी जी, मुझे ये पता है उस्मान गाजी भी सलजोकी सल्तनत के साथ और आगे अर्तुगरुल भी सलजोकी सल्तनत, तो अभी मुझे पता है ये कैसे खत्म हुआ ये सारा कुछ और कैसे ये हो गया सारा खत्म? अर्तुगरुल गाजी जब
एशियाई कोचुक में आया, जैसा कि हमने पिछले इंटरव्यू में बताया कि वो सलजोकी सुल्तानात अलाउद्दीन बादशाह जो था, वक्त का जो हुक्म था, उसके साथ उसकी फौज का वो एक नैब के तौर पे लड़ता था। उस्मान गाजी का भी यही हाल था। सन 1300 में सलजोकी सुल्तानात पे ततारियों ने हमला किया और इस हमले के बाद सलजोकी सुल्तानात का बिल्कुल खात्मा हो गया। जी, लेकिन उस्मान बिल्कुल आजाद और खुद मुख्तार हो गया। तो इसके बाद, क्योंकि उस वक्त जो सुल्तानात जो भी थी उस्मान गाजी की, उसके ऊपर ततारियों ने हमला नहीं किया, जो सलजोकी सुल्तानात के इलाके थे उनको ततारियों ने फतह कर लिया। इसके बाद उस्मान ने तमाम फतवात एक खुद मुख्तारी की तरह की। सुल्तान उस्मान का दीगर रियासतों को फतह करना मकसद नहीं था, बल्कि काफ़ी अरसा वो शहरों के इंतजामी मामलात में मसरूफ रहे, हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए, ये अवाम के लिए फलाह बहबूद का काम किया। और जब ये सारे काम अपने उरूज को जाने लगे तो कुछ तुर्क सरदार, जिन्होंने उस्मान की इस खामोश कमजोरी को अपना एक बाला समझा कि ये कमज़ोर है, इसकी कमजोरी समझा, वो उस्मान की बढ़ती हुई ताकत से खायफ थे कि उन्होंने उस्मान के मफ्तूह इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिया। आप मेरी बात समझे, यानी सन 1300 में जी सुल्तानात उस्मानिया के कैम्प करने के बाद उस्मान गाजी एक सुल्तनत के अंदरूनी कामों में मसरूफ हो गए, फलाह बहबूद के। जो तुर्क सरदार थे उन्होंने उस्मान गाजी के आगे फतह करने वाले जो काम बंद हो गए थे उसको एक कमजोरी समझा और उन्होंने उस्मान गाजी के जो इलाके थे उन पर तुर्क सरदारों ने हमला शुरू कर दिया। जी आप मुझे ये बता दें, जब उस्मान गाजी की तुर्क सरदारों के साथ ये जंग हुई थी तो इसमें कौन फतह हुआ था? नहीं, जब तुर्क सरदारों ने इसके मफ्तूहा इलाकों पर हमला किया तो उस्मान गाजी ने उन सरदारों को नेस्त और नाबूद कर दिया, था पाश पाश कर दिया और उस्मान गाजी को फतह हुई सन 1300 के शुरू में। जी और जो भरोसा है, भरोसा शहर को उस सुल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत बनाया गया। अब 1300 में बस्तीनी जो सुल्तनत को बड़ी पैमाने पर शिकस्त दी थी, तो 6 साल के अंदर बस्तीनी सुल्तनत को फतह करते करते बहरे अस्वद तक पहुंच गया। जी बरोहा नासिया के गिर्द के तमाम इलाके फतह हो गए। इन हालात को देखते हुए ततारियों को बस्तीनी सुल्तान ने उकसाया कि वो उस्मान पर हमला कर दें। ततारियों ने उस्मान के मफ्तूह इलाकों पर हमला किया। इस बार उस्मान ने ततारियों के मुकाबले में अपने बेटे उरहान को भेजा। उरहान ने ततारियों को सख्त शिकस्त दी। यूं बस्तीनियों और ततारियों समेत उस्मान के सब दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फेर गया। 1317 में एक नहायत ही अहम शहर बरोसा का मुआसरा किया। ये मुआसरा तवील पड़ गया, यहाँ तक कि 6 साल इसी मुआसरे के दौरान गुजर गए। और ये जी इस मुआसरे के दौरान उस्मान गाजी जो है वो बीमार पड़ गया और उस बीमारी के दौरान ही उस्मान गाजी की 1223 में वफात हुई। जी आप मुझे ये बता दें, उस्मान गाजी की वफात के बाद तो सल्तनत किसके हाथ में गई? बस इसी के साथ मुझे बता दें, उनकी कितनी बीवियां थी और कितने बेटे थे? उस्मान गाजी के वफात के बाद इनके बेटे उरहान को, जिसको इन्होंने भरोसा के मुआसरा करवाया था, जैसे उरहान इनका बेटा था, उरहान को जानशीन बनाया गया 1326 में। और उसी वक्त इनकी वफात के दौरान ही भरोसा की फतह भी सुल्तानत उस्मानिया को नसीब हुई। और इनकी दो बीवियों का जिक्र आया किताबों में। पहली बीवी जो है राबिया बाला खतून और दूसरी का नाम है माल खतून। उस्मान गाजी के 5 बेटे थे और उरहान गाजी, अलाउद्दीन पाशा, पदारली बे, अमीद बे, कोबन बे, ये 5 उस्मान गाजी के बेटे थे। उस्मान गाजी तसव्वुफ के भी जेर असर था, इस वक्त के मशहूर शेख अब्दाली के मरीद थे। उस्मान की दीनी तरबियत में इन शेख का बहुत बड़ा हाथ था। ये शेख की एक बढ़ती किरण थी और उस्मान गाजी एक कोई ख्वाब भी आई जो इन्होंने शेख अब्दाली अपने शेख के साथ शेयर की थी और उस ख्वाब के ऊपर इन्होंने शेख ने अपनी
बेटी भी निकाह में दी थी जो बाला खतून है। सब आखिर में मुझे उस्मान गाजी के उसाफ थोड़े से बयान कर दें, इसे खत्म खत्म कर दें। अच्छा एक बात बताऊं कि उस्मान गाजी खुद जंग में आगे इस जज्बे से लड़ते थे कि अपने सिपाहियों में मर मिटने की रूह फूंक देते थे। आप अदल इंसाफ बहुत मशहूर था, आप हिम्मत जुरत और बहादुरी के साथ जंग में हिस्सा लेते थे, आप इंसाफ में सबको बराबर रखते थे, आपने जाती दौलत कभी जमा नहीं की थी, आपके हिस्से का माल या गनीमत भी बांट देते थे, आपकी वफात के बाद कोई सोना रकम नहीं मिली। एक कुफ्तान था, निमकदान था, सूती का मामा था, लकड़ी की चम्मच थी और चंद अरबी घोड़े आपके वर्से में बाकी रह गए थे। नाज़रीन इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में आपने फरमाइश की थी इस वीडियो की, तो हमने ये आपके लिए ले आए हैं। तो आप ये वीडियो देखें, शेयर भी करें सोशल मीडिया पे। आप हमें कमेंट्स में बताएं हम नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में लेके आए, क्या लेके आए। ओके, थैंक यू सो मच।